तेल के खेल में भारत को अब क्या नया साथी मिलने वाला है? क्या भारत ने रूस का तोड़ निकाल लिया है? रूस से तेल खरीदने को लेकर पिछले कुछ समय में भारत की मुश्किलें बढ़ी हैं, जिसमें रुपए या फिर युआन में पेमेंट के झंझट से लेकर महंगा क्रूड भी शामिल है। तो चलिए समझते हैं आखिर पूरा मामला है क्या। रूस और यूक्रेन की जंग के बाद जब से रूस पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध लगे हैं, उसके बाद से भारत रूस से सस्ता तेल खरीद रहा है। लेकिन अब भारत रूस के अलावा वेनेजुएला से भी सस्ता तेल खरीदने पर मंथन कर रहा है। हम आपको पूरी कहानी समझाएंगे, लेकिन उससे पहले तेल और पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी का ये बयान सुनिए। Today what I'm worried about is, and you know, if some Venezuelan oil comes into the market, already the press is saying, oh, now we're going to import cheap Venezuelan oil. Listen, bottom line, we will buy from wherever we can get cheapest. And Venezuelan oil, by the way, can be used in our refineries now. भारत के पेट्रोलियम मंत्री का बयान ऐसे समय में आया है जब हाल ही में अमेरिका ने वेनेजुएला पर लगाए गए तेल प्रतिबंधों में छूट दी है। पिछले महीने इसराइल और हमास की जंग छिड़ने के बाद से पश्चिमी एशिया में तनाव का माहौल है। पश्चिमी एशिया के देशों की बात की जाए तो उसमें संयुक्त अरब अमीरात जैसे तमाम ऐसे देश हैं जिन पे जबरदस्त तेल का भंडार है। ऐसे में युद्ध की स्थिति अगर और खराब होती है तो क्रूड की सप्लाई बाधित हो सकती है। इसी के मद्देनजर अमेरिका ने वेनेजुएला को तेल प्रतिबंधों में छूट देने का ऐलान किया है। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल इम्पोर्टर देश है और वेनेजुएला उन सबसे अव्वल देशों में शुमार है जिसके पास तेल का भंडार है। भारत अपनी कुल जरूरत का 80% से ज्यादा का कच्चा तेल इम्पोर्ट करता है। इराक, अरब और रूस के अलावा वेनेजुएला से तेल इम्पोर्ट कर भारत कच्चे तेल के आयात बिल में कटौती करना चाहता है। एनी प्लेस वेयर एनर्जी अवेलेबिलिटी इज एंड वी हैव अ वेरी क्विक रिस्पांस टाइम वी कैन टैप दैट एज़ वेल। दक्षिणी अमेरिका देश वेनेजुएला की बात की जाए तो 2019 से ही यहाँ पर प्रतिबंध लगा हुआ है। 2024 में होने वाले चुनाव और मिडल ईस्ट में बढ़ते तनाव को देखते हुए वेनेजुएला सरकार और विपक्षी दलों के बीच समझौते के बाद अमेरिका ने 2 हफ्ते पहले ही इन प्रतिबंधों को मोटे तौर पर खत्म कर दिया है। वहीं दूसरे मोर्चे पर देखें तो रूस और भारत के बीच करोड़ों बैरल का कच्चा तेल का बिजनेस हो रहा है, लेकिन पिछले कुछ महीनों से व्यापार में भुगतान को लेकर समस्याएं आ रही थी क्योंकि रूस के पास भारतीय रुपए का पहाड़ जमा हो रहा था और रूस उस रुपए को कहीं पे भी खर्च नहीं कर पा रहा था। रूस बार बार भारत पर प्रेशर बना रहा था, यहाँ तक कि चीनी करेंसी में कच्चे तेल के लिए भुगतान करने पर भी जोर डाल रहा था, लेकिन भारत ने चीनी करेंसी में भुगतान करने से इनकार कर दिया। अगर भारत वेनेजुएला से तेल खरीदता है तो रुपए रूबल की समस्या का हल हो जाएगा। रूस और यूक्रेन की जंग के बाद से रूस पर अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए गए। फरवरी 2022 में रूस यूक्रेन संघर्ष शुरू होने से पहले भारत के इंपोर्ट बास्केट में रूस के तेल की हिस्सेदारी महज 1% से भी कम थी, लेकिन यूक्रेन से जंग के बाद में भारतीय तेल बाजार में रूस की हिस्सेदारी बढ़कर 35% से भी ज्यादा हो गई है। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।